अभी मैंने एक गाजर लिया है, गाजर को अभी इसको कुछ पीसेस में काट लेंगे। देखिए इसको पहले थोड़ा साइड से सीधा करने के लिए इसको थोड़ा काट लिया, क्योंकि बैलेंस करने के लिए इसको थोड़ा पीसेस में कर लेंगे, पतला पतला पीसेस में काटेंगे। पतला पीसेस काटने के बाद इसको ऊपर से इसको अच्छे से लगा देंगे। ये हो गया हमारा फाइन जुलियन साइड में, इसको थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे। ये हो गया हमारा बटोनेट का, बटोनेट देखिए थोड़ा मोटा मोटा रहेगा, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अभी मैं इसमें से चार पीस ले लेंगे, चार पीस में स्क्वायर शेप में कट लेंगे। ये हो गया मीडियम साइज। और इसके बाद इसको ले लेंगे, चॉप कर देंगे। ये हो गया हमारा ब्रूनोइस ग्रीन चिल्ली। ग्रीन चिल्ली को इसको अलग कर देंगे, पूरा 1/2 कर देंगे। ये हो गया हमारा स्लिट कटिंग। हमने एक आलू लिया है, आलू को वेजेस कटिंग करने, वेजेस जैसा आपने सुना होगा पोटैटो वेजेस। आलू लिया, देखो 1 से 3 बन गए, ये हमारा वेजेस कट होंगे। देखिए अभी मैंने कैबेज लिया,
कैबेज को, कैबेज का जो बीच का हिस्सा है उसको साइड कर दिया, इसको दबा देंगे। अभी दबा देंगे, अभी इसको फिंगर को हमेशा सेफ रखना है और इसी के साथ में हमारी थ्रेडिंग करेंगे इसको। जितना पतला पतला कर सकते हो उतना अच्छे कर सकते हैं, बहुत सारा काम पे आ जाते हैं इसमें। इतना अच्छा स्लाइडिंग हो गया, ये हो गया हमारा स्लाइडिंग। अभी कुछ बेसिल लिप्स लिया, बेसिल लिप्स को अभी देखिए, बेसिल लिप्स ले लिया, इसको अभी फोल्ड कर देंगे। फोल्ड किया हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, हल्का प्रेशर से उसको पतला पतला कर देंगे हल्का। ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो साइड से दाग आ जाएगा और दाग से उसको पानी छोड़ने लगेगा। देखिए इसको बोलते हैं चिफोनेट। ये जो मैंने पार्सली लिया, पार्सली को अभी फाइन चॉप करेंगे। देखिए ये चॉप करने से पहले पार्सली को ज़रूर अच्छा से साफ कर लेना। जितना फाइन कर सकते तो उतना अच्छा है। इसको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे करना, आप ऐसा भी कर सकते हो। मेरे को दोनों कंफर्टेबल होते हैं। ऑनियन को पील कर लिया, लेकिन आपको फिंगर को सेफ रखना है, सेफ रख के इसको पतला पतला स्लाइस मारने का। लेकिन इसका स्लाइस जो मार रहे हो आप पूरा नहीं मारना, इसको घुमा लिया। उसके बाद धीरे धीरे इसको सेम मैं से नाइफ मारते रहूँगा, आपको फेंक देना होगा आपको, तो स्टॉक में भी डाल सकते हो आप। चॉपिंग देखिए कितना फाइन चॉप हो गया। ये हो गया आपका ब्रटोनेट, ये अपना पार्सली चॉप, ये डाइस मीडियम डाइस लार्ज डाइस आप कौन सा भी बोल सकते हो। इससे बड़ा काटेंगे तो लार्ज डाइस हो जाएगा और ये थोड़ा छोटा है तो इसको मीडियम डाइस बोल सकते हो। ये मैंने मिर्ची को काटा है तो ये हो गया आपका सिलेट, ये वेजिस हो गया आपका चिफोनेट और ये हो गया आपका श्रेडिंग जो श्रेडेड, ये फाइन जूलियन और ये हो गया ऑनियन चॉप्स और ये हो गया ब्रोनाइस। तो कॉन्टिनेंटल का जो